लाल होगा या तो दहकती आग से नहीं तो इनके खून से। दोस्तों रिबेल स्टार प्रभास की मच अवेटेड फिल्म सलार जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर आज अपना 11वां दिन पूरा कर रही है। यह फिल्म ऑलरेडी अपने 10 दिनों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, लेकिन आज ये फिल्म अपने 11वें दिन भी दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह की ऐतिहासिक कमाई कर रही है, यह तो कंफर्म है कि यह फिल्म बॉलीवुड हिस्ट्री के सभी रिकॉर्ड को तोड़ देगी। साथ ही साथ फिल्म इस साल के हाईएस्ट ग्रोसर जवान, पठान तथा एनिमल जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म सलार के 11 दिनों के हिंदी और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे कि फिल्म ने हिंदी में 11 दिनों में कुल कितने करोड़ रुपए की कमाई की और दुनिया भर से फिल्म का टोटल कलेक्शन क्या रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही अगर आपने यह फिल्म देखी है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह फिल्म कैसी लगी, सुपरहिट या फिर ब्लॉकबस्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि सलार एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका डायरेक्शन किया है प्रशांत नील ने। लगभग 400 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म में हमको सुपरस्टार प्रभास का धमाकेदार एक्शन देखने को मिला है। उनके डायलॉग डिलीवरी हो या फिर उनकी एंट्री सीन, इस फिल्म में आपको तालियां और सीटियां बजाने का भरपूर मौका मिलता है। फिल्म में प्रभास के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन तथा श्रुति हसन नजर आए हैं। लगभग 2.5 घंटे से बड़ी इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, साथ ही क्रिटिक्स ने भी फिल्म को बेहतरीन रेटिंग दी है। यही वजह है कि सुपरस्टार प्रभास की यह फिल्म ऑल ओवर इंडिया में और दुनिया भर के रिकॉर्ड्स के झंडे गाड़ रही है। अगर बात की जाए फिल्म के बॉक्स ऑफिस की तो बताते चलें कि आपको पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की फिल्म को ऑल इंडिया में 4500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, लेकिन हिंदी भाषा में फिल्म को मात्र 1800 स्क्रीन्स मिली थी और इन 1800 स्क्रीन्स पर फिल्म ने अपने पहले ही दिन 15,75,00,000 रुपए की ओपनिंग ली जो कि इस साल की टॉप 10 ओपनिंग में से एक है। अब बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सलार फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में हिंदी लैंग्वेज में 110 करोड़ रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन किया था। वहीं फिल्म ने दूसरे वीकेंड यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को हिंदी भाषा से 21 करोड़ और 15 लाख रुपए का कमाई की है। अब बात करें फिल्म के 11वें दिन यानी आज के कलेक्शन के बारे में तो जानकारी के लिए बता दें कि आज 1 जनवरी को हॉलीडे है जिसके कारण फिल्म के कलेक्शन में एक उछाल देखने को मिल रहा है। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार फिल्म सलार अपने 11वें दिन हिंदी भाषा से 9,50,00,000 रुपए का कलेक्शन करने जा रही है। दोस्तों इसी के साथ सलार फिल्म का शुरुआती 11 दिनों का हिंदी इंडिया नेट कलेक्शन होता है 141,13,00,000 रुपए, वहीं ग्रोस कलेक्शन होता है 168 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने 11 दिनों में केवल हिंदी भाषा से ही 168 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। अब बात करें फिल्म के टोटल पांचों भाषाओं के इंडिया नेट कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने पहले हफ्ते में 378 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं दूसरे वीकेंड यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को फिल्म का कलेक्शन रहा था 36 करोड़ और 15 लाख रुपए। अब बात करें फिल्म के 11वें दिन यानी आज के कलेक्शन के बारे में तो जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म सलार आज अपने 11वें दिन 15 करोड़ रुपए का कारोबार करने जा रही है। और दोस्तों इसी के साथ सलार फिल्म का 11 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन होता है 429 करोड़ रुपए, वहीं इंडिया ग्रोस कलेक्शन होता है 513 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने 11 दिन में ही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 500 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है। वहीं बात करें फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन की तो जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म ने अपने 11 दिनों में विदेशों से भी 140 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। तो इसी के साथ दोस्तों फिल्म सलार का 11 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है 653 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने 11 दिनों में ही 650 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है। अब देखना यह होगा कि नए साल में यह फिल्म अपने लाइफ टाइम कलेक्शन को कितना आगे ले जा सकती है, 1,000 करोड़ या फिर उससे भी ऊपर। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही डेली बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।